गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज मंडे। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी में हम अभी तक हमने क्या किया था? स्वर अ से आह तक, ओके। आज हम उसको देखेंगे भी और उसके एक्सरसाइज भी करेंगे, ओके। और हिंदी को किस में लिखेंगे हम? डबल लाइन में। ओके, कैसे लिखेंगे? पहले तो एक स्लीपिंग लाइन करेंगे, ओके। स्लिपिंग लाइन करके ऐसा थ्री बनाएंगे और पीछे से फिर स्लिपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। क्या बन गया हमारा? छोटे आ से अनार। ऐसे थ्री बनाया, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और फिर एक और स्टैंडिंग लाइन। बड़े आ से आम। उसी तरह से छोटा बड़ा, फिर ऐसे एस की तरह बनाएंगे, ऐसे कर देंगे। छोटी ई से इमली, बड़ी से ईक, ठीक है। ऐसे थ्री की तरह छोटा हो बनाएंगे। छोटे ऊ से उल्लू, पीछे को रा निकाल देंगे तो बड़ा ऊ से ऊन। वी से ऋषि, ऐसे करेंगे, ऐसे टर्न कर देंगे ऐसे की तरह। ए से एडी, इसमें एक और मात्रा लगा देंगे तो आई से एना, आई से एना। ओ से ओखली, ओ से ओखली। आउट से औरत, आउट से औरत। फिर ऐसे अ बना के उसके ऊपर बिंदी लगा देंगे तो अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। आहा खाली, आहा खाली, ओके। तो ये हमको पहले लिखने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? डॉट 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 बना के करिए। मम्मी को बोला आप अपने डबल लाइन की नोटबुक में पहले सारे अक्षर डॉट डॉट करेंगे। डॉट डॉट के बाद आप पेंसिल से उसके ऊपर यूज़ करेंगे तो यूज़ करते करते आपको कई बार करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। तो बोलिए, छोटे छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईद, छोटे ऊ से उल्लू, बड़ों से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐना, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली। फिर से छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईक, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। लर्न कर लिए पहले।
छोटा आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अपनी नोटबुक में ऐसे छोटा छोटा ऐसे डॉट बना देंगे। ओके मम्मी को बनाए ऐसे डॉट बना के, ये बॉर्डर वाली नोटबुक भी मिलती है, ऐसा लिखना उसके ऊपर, फिर ऐसा करके राइटिंग वाइट कलर स्लीपिंग लाइन, फिर ऐसे करके थ्री बनाया, फिर पीछे स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से आप बना के प्रैक्टिस करिएगा बॉर्डर करके। इस तरह से ये करा, फिर थ्री बनाया, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर दो स्टैंडिंग लाइन, क्या बन गया बड़ा आ। ओके तो डॉट डॉट से आप सीखेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। इस तरह से मम्मी को बोलना ऐसा बना दें, या बुक आती है आप बुक के जरिए भी आप उसी प्रैक्टिस करिए। ऐसा डॉट डॉट बन गया, डॉट डॉट के बाद आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। छोटी से इंग्ली, बड़ी से ई। ओके फिर इसी तरह से डॉट डॉट करके ऐसे छोटा हूँ, पीछे उंगली निकाल देना तो क्या बन जाएगा बड़ा हो, ऐसे करना डॉट को ऐसे छोटे उसे मुंह से बोलते हैं, डॉट डॉट कंप्लीट करते टाइम आप मुंह से बोलते हैं छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, इस तरह से बोलते हैं। तो आप डॉट डॉट से बनाओगे तो बहुत जल्दी और इजीली आपको याद हो जाएगा। ओके और उसके वर्ड्स याद करा देती हूँ आपको, और कई बार आपका ये स्टेशनरी से आप चार्ट पेपर लाइए, चार्ट पेपर लगा दे रोज पढ़िए तो आपको याद हो जाएंगे, आपको वर्ड भी पहचानना आना चाहिए।
ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली, अंग से औ से औरत, औ से औरत, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली। ओके, तो फिर से पढ़ेंगे, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, छोटी से इमली, बड़ी से ईट, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। अब कभी कभी वर्कशीट में ऐसा देती हूँ कि अ के नीचे लकीर खींचो, तो आ के जो भी वर्ड्स होते हैं, ये बड़ा का जो भी वर्ड्स होता है, उसके नीचे आपको ऐसे लकीर खींचने, वर्ड्स के पूरे वर्ड्स पे नहीं खींचने, जो भी लेटर दिया जाता है उसके ऊपर लकीर खींच देने, जैसे अ से अनार तो उसके नीचे लकीर खींच देने का है, बड़े आ से आम तो उसके नीचे लकीर खींच देने का है, छोटी से इमली तो छोटी ई के नीचे, पूरे वर्ड्स के नीचे लकीर नहीं खींचनी, जो भी वर्ण होता है, लेटर होता है, उसके नीचे लकीर खींचनी है। ठीक है, छोटी से इमली, बड़ी से ई, बड़ी से ई, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, तो जो वर्ण दिया जाता है उसी के नीचे आपको लकीर खींचनी है, री से ऋषि, तो ऋषि के नीचे आपको लकीर खींचनी है। ओके, ए से एड़ी, ए से एड़ी, आई से ऐना, आई से ऐना, ओ से ओखली, तो ओखली के नीचे लकीर खींचनी है, औ से औरत, तो औ से औरत के नीचे लकीर खींचनी है, अंग से अंगूर, तो अंग से अंगूर के नीचे लकीर खींचनी है, आहा खाली। ओके, ये दिख रहा है आपको। ए से एड़ी, ओके, ऐ से ऐना,
और मम्मी लगाते हैं, पापा लगाते हैं चश्मा, तो उसको क्या कहते हैं? ए से एन, ओ से ओखली, जिसमें अदरक वगैरह मसाले पीसते हैं ना, कूटते हैं ऐसे, रवे कूटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओ से ओखली, क्या होते हैं? ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, औ से औरत, ठीक है, और अम से अंगूर, ये तो अंगूर तो सबने देखे ही हैं, आपको पिक्चर देख के भी नाम लिखने को आ सकता है, वर्ण लिखने को आ सकता है। आम से अंगूर, आम से अंगूर, अब क्या करेंगे? छोटे हाथ से अनार, छोटे हाथ से अनार, बड़े हाथ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊँट, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली, ओके, ये आप प्रैक्टिस करिए। आज हमने हिंदी में क्या किया है? पूरी अच्छी तरह एक्सरसाइज कर ली है पूरी, ठीक है, छोटे आ से आहा तक आप पहले डॉट आउट करके पूरा उसकी प्रैक्टिस करिएगा, वो कंप्लीट हो जाए, आपको वर्ण पहचानने आ जाए, तो उसके बाद आपको अगर लकीर खींच दी जाती है वर्कशीट में, तो जो वर्ण दिया जाता है उसी वर्ण के नीचे आप लकीर खींच देंगे। अगर आपको पिक्चर्स दी जाती है कि पिक्चर्स देख के आप वर्ण लिखिए, तो आपको पूरी पिक्चर्स देख के उसका वर्ण लिखने को आएगा, ओके। अगर आपको अ से आहा तक पूरा पहचानने को आ जाएगा, तो आप उसका मैच द फॉलोइंग भी कर सकते हैं, समझ में आया? तो आप रोज प्रैक्टिस करिए, आप स्टेशनरी में जाके चार्ट पेपर लाके उसको भी कर सकते हैं, रोज पढ़ेंगे तो आपको ये अक्षर पढ़ने आ जाएंगे, ओके। हमने क्या किया? आज से आ तक की राइटिंग प्रैक्टिस की, उसके लुक एट द पिक्चर एंड राइट द लेटर, उसको पिक्चर देख के आपको उसका वर्ण लिखना है, और लकीर खींचो, जो भी आपको वर्ण दिया जाएगा उसको लिख के आप लकीर खींचेंगे। स्टे से स्टे लगेगा।